जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आजम आप सबका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, वीडियो लेट आने के लिए हमें खेद है। काम के प्रेशर बढ़ जाने के कारण हम टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे, तो इसी के लिए हम खेद जताते हैं। पर आज इस वीडियो में गाड़ी लोडिंग की कहानी मेरी या एमएस ट्रेडर की नहीं, बल्कि एमएस ट्रेडर से जुड़े हुए एक ऐसे व्यक्ति का है जो पिछले 8 महीने से मुसलसल लगता रहा इस कोशिश में कि आज उसकी गाड़ी निकलेगी, कल उसकी गाड़ी निकलेगी, परसों उसकी गाड़ी निकलेगी, पर उस बंदे की गाड़ी 8 महीने तक निकल नहीं पाई। ऐसे में वो बंदा निराश तो हुआ पर डिमोटिवेट नहीं हुआ। वो बंदे ने धीर धरी, हिम्मत के दामन को थामे रखा, मेहनत की और आज उसने अपनी कामयाबी को हासिल कर लिया। आज उसने पहली गाड़ी निकाली एमएस ट्रेडर के माध्यम के जरिए। तो चलिए आइए आज आपको उसकी मेहनत दिखाते हैं। दोस्तों, आपके स्क्रीन के सामने अशोक लेलन की 19-20 गाड़ी जो बड़ी नज़र आ रही है आपको, ये गाड़ी में आज हम पीपी रफिया का स्क्रैप लोड करने वाले हैं और पीपी रफिया का स्क्रैप तकरीबन 7 से 9 टन के करीब लोड करने वाले हैं। ये एक बड़ी कंटेनर है। ये गाड़ी वेस्ट बंगाल से लोड हो रही है और वेस्ट बंगाल से लोड करने वाले हमारे स्क्रैप कोऑर्डिनेटर का नाम है अनजान मजुमदार। मजुमदार हमारे साथ यानी कि एमएस ट्रेडर के साथ पिछले 8 से 9 महीने से जुड़े हुए हैं और ये मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि विदाउट इन्वेस्टमेंट इनके स्क्रैप का कंसाइनमेंट निकले, पर कुछ ना कुछ कारणों के कारण इनकी गाड़ियां नहीं निकल पा रही थी, पर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। देखिए, देर से शुरुआत होगी पर शुरुआत इंशाअल्लाह होगी, एक दिन सवेरा ज़रूर आएगा। और जिस तरह मजुमदार को अपने आप पे और अपने रब पे भरोसा था, उसी तरह आपको भी अपने मेहनत पे और अपने रब पे भरोसा होना चाहिए। आज जो हम पीपी रफिया की गाड़ी लोड कर रहे हैं, ये पीपी रफिया की गाड़ी आप जबी भी ख़ास तौर पे बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के कुछ इलाके से लोड करते हैं तो आप 3 से 5 रुपये पर केजी में यहाँ से रफिया लोड कर सकते हैं। इतना सस्ता रफिया होता है। पर यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैच ये होता है कि अगर कोई लोकल वेंडर वहाँ के आपका नहीं पहचान का या आपका कोई बंदा जो वहाँ पे लोकल या स्थाई नहीं है तो उसे बहुत दिक्कत होती है ये 3 से 5 रुपये पर केजी में रफिया लिफ्ट करने में, क्योंकि यहाँ पे अक्सर चलता है गुंडा टैक्स। गुंडा टैक्स यानी कि वहाँ के जितने भी बाहुबली के दबंग ही होते हैं, यानी कि बाहुबली के जो आम पावर होती है, जो वहाँ के उनके गुंडे होते हैं, ये गुंडे रास्ते में खड़े रहते हैं और किसी भी तरह की कंपनी की गाड़ी भर के निकलती है तो उससे ये गुंडा टैक्स लेते हैं, जिसके कारण कई बार ये 3 से 5 रुपये पर केजी वाला रफिया बैग आपको 11 से 15 रुपये पर केजी तक भी पड़ जाता है। तो ऐसे में अगर आपका कोई व्यक्ति या आपका कोई स्थाई बंदा जो वहाँ पर अवेलेबल है तो ऐसे बंदे के माध्यम के ज़रिए आप इस तरह का रफिया लोड कर सकते हो। मुसलसल ये रफिया की गाड़ी जो हमने लोड की, ये रफिया की गाड़ी हमने लोड करने के बाद हमारी एक व्यापारी को 18 रुपये पर केजी में पहुंच कराया और 18 रुपये पर केजी में 55,000 से 60,000 के करीब जो गाड़ी भाड़ा था वो निकल गया और कंपनी के साथ साथ मजुमदार को भी अच्छा प्रॉफिट हुआ। हालांकि मजुमदार ने इतना प्रॉफिट कमाया कि मजुमदार ने खुद खान साहब से बात करते हुए ये कहा कि हमारे इधर जब कोई बंदा काम करता है तो 6 से 8 हज़ार रुपये सैलरी वो महीने में कमा लेता है और मैं इससे ज़्यादा कुछ घंटों में कमाया। और ऐसे ही आप भी ट्रेड कर सकते हैं बेगर इन्वेस्टमेंट के प्लास्टिक स्क्रैप में ट्रेड करके। और अगर आपको इसकी विस्तार में जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए खान साहब के नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर हम अवेलेबल होंगे तो आपका फ़ोन ज़रूर उठाएंगे। मैं साथ ही साथ आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आप में कई ऐसे व्यापारी हैं जिनके पास वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड में कॉन्टैक्ट तो हैं स्क्रैप ख़रीदने के, पर उन्हें ये नहीं पता कि वेरीफाई कैसे करें, उन पर भरोसा कैसे करें और ऐसे में आपके साथ हो सकता है फ्रॉड। तो आप चिंता ना करें, पूरे भारतवर्ष में हमारे पास 300 के करीब स्क्रैप कोऑर्डिनेटर हैं और ये स्क्रैप कोऑर्डिनेटर आपके लिए जाके स्क्रैप को वेरीफाई करेंगे, साथ ही साथ आपके लिए जो है आपकी गाड़ी लोड करवाएंगे और उसके बाद ये आपसे अपना मेहनत आना लेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए आप गुजरात से बिलोंग करते हैं और आपको वेस्ट बंगाल में स्क्रैप की गाड़ी लोड करनी है तो आप एमएस ट्रेडर को कांटेक्ट कीजिए,
एमएस ट्रेडर आपको उस स्क्रैप कोऑर्डिनेटर का नंबर देगा, वो स्क्रैप कोऑर्डिनेटर आपके लिए उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाएगा और वहाँ पे जाके स्क्रैप को वेरीफाई करेगा, आपको फोटो वीडियो भेजेगा, आपके कहने अनुसार ट्रांसपोर्ट की अरेंजमेंट करेगा और आपकी गाड़ी लोडिंग होते वक्त वहाँ पे खड़ा रह के आपको टाइम टेबल यानी कि टाइमिंग अनुसार पंक्चुअलिटी से आपको अपडेट देता रहेगा कि गाड़ी में कौन सा स्क्रैप लोड हो रहा है। बदले में आपको उस स्क्रैप कोऑर्डिनेटर का आने जाने का और खाने का खर्चा उठाना होगा और अगर आपके कारण उसे रुकना पड़ रहा है तो आपको उसके रहने का खर्चा देना होगा और अगर आपकी गाड़ी लोड हो जाती है तो किलो पे उसे एक रुपया देना होगा। दोस्तों व्यापारियों ये महंगा सौदा नहीं है, इससे आपको मिलेगी सिक्योरिटी और बेरोज़गारों को मिलेगा रोज़गार, साथ ही साथ रोज़गार के वो अनुभव भी हासिल करेंगे और एमएस ट्रेडर का एक रिलायबल नाम है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं जो किलो पे एक रुपया आप उन स्क्रैप कोऑर्डिनेटर को देंगे उसमें से एमएस ट्रेडर एक पैसा भी नहीं लेता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एमएस ट्रेडर इसके लिए कर रहा है ताकि स्क्रैप कोऑर्डिनेटर वालों को ट्रेडिंग करने का अनुभव भी मिले और उन्हें व्यापारी के साथ काम करने का मौका भी मिले और बदले में आपको मिले पीस ऑफ माइंड और सिक्योरिटी ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो सके। मैं साथ ही साथ आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर हमारे से ये पीपी स्क्रैप रफिया ख़रीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे टाइमिंग अनुसार छुट्टी का दिन छोड़ के आप हमें कॉल करें। अगर आप प्लास्टिक स्क्रैप इंडस्ट्री में नए हैं और प्लास्टिक स्क्रैप का काम करना चाहते हैं पर आपको ज्ञान बिल्कुल नहीं है, नॉलेज नहीं है, आप पूरी तरह फ्रेशर हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे टाइमिंग अनुसार आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी आपको फ़ी सबिलिल्लाह अल्लाह के रज़ा के लिए निःशुल्क देंगे, तो आप हमें संपर्क करें। पर याद रखिएगा हमें कॉल फ्लो बहुत ज़्यादा आता है और आपके कॉल को एंटरटेन करने के लिए मैं और खान साहब भी अवेलेबल हैं, तो अगर हम अवेलेबल होंगे तो आपका फ़ोन ज़रूर उठाएंगे। इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अब वीडियो के अंत में आप खुद देखें कैसा क्या अंजुम मजुमदार का अनुभव रहा और क्या था उसका ओवरऑल फीडबैक। मैं अंजुम मजुमदार वेस्ट बंगाल से एमएस ट्रेडर के लिए काम कर रहा हूँ। आज वेस्ट बंगाल से मेरा पहली गाड़ी इंदौर एमपी के लिए रवाना हो रही है। इनके पीछे खान साहब, मोनिश भाई, इनका बहुत बड़ा हाथ है। अगर उन्होंने इतने दिन से मुझको एडुकेटेड नहीं करता कैसे काम करना है, कैसे मार्केट में जाना है, कैसे सब कुछ करना है, तो शायद ये दिन मुझको नसीब नहीं होता। कि इस दिन के लिए महादेव और संसद और मोनिश भाई और मेरा माता पिता के लिए कह दिन से बहुत शुक्रिया था। और संसद को मेरा नमन, संसद ने मुझको जो एडुकेटेड किया इसके लिए तह दिल से उसको जितने भी शुक्रिया अदा करूँ उतना ही कम है। आप सब लोग के आशीर्वाद से मेरा पहला गाड़ी आज निकल रहा है एमपी के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मैं अंजुन मजुमदार वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ, एमएस ट्रेडर के लिए काम करता हूँ। आज महादेव की कृपा से, खान साहब और मोनिश भाई का सपोर्ट से, उन दोनों का एडुकेटेड से मेरा पहली गाड़ी आज वेस्ट बंगाल से एमपी इंदौर के लिए निकल रहा है। खान साहब और मोनिश भाई को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर खान साहब और मोनिश भाई मुझको सपोर्ट नहीं करते, मुझको एडुकेटेड नहीं करते कैसे काम करना है, कैसा मार्केट में सभी के साथ बात करना है, ये सब लोग सब कुछ मुझको नहीं सिखाते तो आज ये दिन मुझको देखने में नसीब नहीं होता। मैं मेरा माता पिता मोनिश भाई, खान साहब सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जे उन्होंने मुझको ये लायक समझा कि मैं ये काम कर सकता हूँ और उन्होंने मुझको भरोसा दिलाया मैं ये काम कर सकता हूँ। धन्यवाद। आप में कुछ व्यापारी ये सोच रहे होंगे कि भैया 18 रुपए केजी में आप माल पहुंच करोगे, तो 18 रुपए पर केजी हमें जो रफिया मिल रहा है वेस्ट बंगाल से ये कहीं महंगा तो नहीं पड़ेगा हमें, क्योंकि हम गट्टा बनाएंगे या दाना बनाएंगे तो होगा बड़ा कॉस्टली। तो चलिए उनको मैं कैलकुलेशन सिखाता हूँ। चलिए मान लीजिए आपने 7.5 टन के करीब
आपको रफी आया 18 रुपए पर केजी से, यानी कि 1,35,000 के करीब आपका ओवरऑल बजट बैठ गया, जिसमें आपका गाड़ी भाड़ा भी है, आपका लोडिंग भी है, आपका सब कुछ उसमें इंक्लूड है। अब ये 18 रुपए पर केजी में जो 60.5 टन माल आया है, इसमें आपको 20% यानी कि 20% अच्छी बोरियां निकलेंगी, यानी कि वो बोरी आप पर पीस बेच सकते हो, मुंह खुले वाली बोरी, अच्छी बोरी बेगर फटी हुई, यानी कि समझिए 1,00,000 बोरी आपको, 1,00,000 बैग आपको पीपी बैग आए, जिसमें 20,000 बैग आपको अच्छा है, अगर वो आप 5 रुपए पर पीस से भी बेचते हो ना, तो भी 20,000 बोरी का 1,00,000 रुपए होता है। मैं बोलता हूँ चलो, मैं क्या बोलता हूँ भैया 20,000 नहीं 15,000 पकड़ता हूँ, अगर 15,000 भी पकड़ता हूँ मेरे भाई, तो भी 75,000 रुपए होता है। अब 1,35,000 के माल में 75,000 तो आपका सेग्रीगेशन से ही कवर हो रहा है। तो अब आप ये सोचिए कि बचे हुए माल को आप कितना मुनाफा कमा पाएंगे उसमें। 18 रुपए किलो में माल आपको पहुंच हुआ आपके गोडाउन में, तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगर आप 20 के फिल्टर का गट्टा मारते हो, तो भी वो गट्टा 35 रुपए से 45 रुपए पर केजी तक जाता है। अगर 40 का मारते हो, तो भी 45 रुपए पर केजी तक जाता है। तो 35 से 45 रुपए, चलो मैं मिनिमम 35 रुपए पकड़ता हूं, अगर 35 रुपए भी है, 18 रुपए माल पहुंच हो रहा है, 10 रुपए केजी पूरा प्रोसेसिंग चार्ज पकड़ता हूं आपका, आपका गट्टा बनाने का लेबर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, झटक मशीन मारने वाला चार्जेस, अगर मैं सारा भी पकड़ लेता हूं ना, तो भी 10 रुपए पड़ता है। तो 18 + 10 कितना होता है 28 रुपया। अगर 35 रुपए में बिकता है ना, तो भी आपको किलो पे 7 रुपया छूट रहा है, किलो पे 7 रुपया, यानी कि अगर 10 टन की मैं बात करूं, तो 70,000 रुपए आपको छूट रहा है सारा खर्चा निकाल के। तो मेरे दोस्तों 35 रुपए में जो पीपी लम्स बिकता है, ये मिनिमम बोला है मैंने भैया, अगर 32 भी पकड़ोगे ना, तो भी आपको 4 रुपए किलो पे छूट रहा है। तो मेरे दोस्तों ये माल का सौदा महंगा नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप हमें टाइमिंग अनुसार कॉल करें, हम अवश्य आपके साथ व्यवहार करेंगे। और अगर आप में से जो कोई भी प्लास्टिक स्क्रैप का बिजनेस सीखना चाहता है, वो स्क्रीन पे दिए गए टैब पे क्लिक करके इन वीडियोस को देखें, और फिर भी अगर मन में कोई सवाल हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे टाइमिंग अनुसार हमें कॉल करें। हम आपको अल्लाह की रजा के लिए निःशुल्क फीस अवेलेबल, फ्री ऑफ कॉस्ट प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे प्लास्टिक्स बिजनेस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए 11 व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक में से किसी एक ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहां पे ज्वाइन होने का आपका फायदा यह है कि प्लास्टिक स्क्रैप से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट तो आपको मिलेंगे, पर उसके साथ साथ प्लास्टिक बेचने वाले, प्लास्टिक खरीदने वाले और उनसे रिलेटेड डील्स और उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको ग्रुप में लेटेस्ट मिलते जाएंगे। तो इससे आपको ग्रुप में जुड़े रहने में आपका फायदा है, और आपको अगर प्लास्टिक स्क्रैप को खरीदना या बेचना है, तो उसकी भी आपको जानकारी मिलती रहेगी, तो आपको जो है बेहतरीन से बेहतरीन डील वहां मिल पाएगी। दोस्तों एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाके इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, वहां पे लेटेस्ट और लाइव अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं, चैनल पे नए हैं या पुराने हैं पर अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और ये चैनल से आपको फायदा पहुंच रहा है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि खान साहब और मेरा मानना है जब जुड़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। तो आइए एक परिवार का सदस्य बने, सब्सक्राइब बटन दबाइएगा, और कमेंट बॉक्स आपके फीडबैक, एप्रिसिएशन और क्रिटिसिज्म के लिए मैंने खुला रखा है, तो भैया जो मन में आता है लिखिए, हमारा भी हौसला बढ़ेगा और हमें दिशा भी मिलेगी। फिलहाल अभी के लिए मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आजम आपसे इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।